गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, या मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत जिसको बोला जाता है। इसमें हमने देखा कि मांग और पूर्ति एक ऐसे बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं जहां पर कीमत का निर्धारण होता है, या वहां पर हम कह सकते हैं कि साम्य निर्धारण होता है। अब मांग और पूर्ति दोनों ही दूसरे को काटते हैं तो ये कोई फिक्स बिंदु तो हो नहीं सकता कि ये हमेशा इसी बिंदु पे ही ये चीज़ बनी रहे। और कल के आपको मान्यता के अंदर भी बताया गया था कि ये खिसक का बिंदु होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब मांग में और पूर्ति में अलग अलग परिवर्तन हो तो इसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो साम्य है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि मांग बढ़ जाती है या मांग कम हो जाती है, या हम कहें कि पूर्ति बढ़ जाती है या पूर्ति कम हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति में जब एक साथ परिवर्तन होता है तो कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि जब मांग और पूर्ति अलग अलग इफेक्ट पड़ता है दोनों में, यानी बाकी चीजें स्थिर रहती है, या तो मांग बढ़ेगी या मांग घटेगी, तो उसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हम देखेंगे कि जब बाकी सारी चीजें स्थिर रहेगी केवल पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी तो उसका कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति जब एक साथ बढ़ती या घटती है तो उसका इफेक्ट कीमत पर क्या पड़ता है, यानी उसे कीमत बढ़ेगी या कीमत कम होगी। तो आप हेडिंग लगाइए मांग और पूर्ति परिवर्तन का सामान्य मूल्य पर प्रभाव, मांग एवं पूर्ति का सामान्य कीमत पर प्रभाव। इसको दो पॉइंट्स के अंदर हम करेंगे। पहला लिखिए मांग में परिवर्तन का सामान्य कीमत पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जो आपका समय कीमत है सामान्य कीमत है उस पर डिमांड में चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर अन्य बातें समान रहे, यानी कि पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी कोई चीज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर अन्य बातें समान रहती हैं तो मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ती है और मांग के कम होने पर कीमत कम होती है। मांग का नियम भी आपको बताया गया था, यही था। तो इसको एक डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया, अक्ष एक्स के ऊपर हमने ली वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, यहां पर हमने लिया वाई एक्स के ऊपर कीमत। स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कर्व है डी टीडी वक्र, जिसको हमने दे दिया नाम डी जीरो, डिमांड कर्व है हमारे पास और ये हमारे पास सप्लाई कर्व। अन्य बातें समान रहने पर जब डिमांड बढ़ती है, यानी आपका डी वक्र क्या हो गया बढ़कर डी टू, डिमांड कब बढ़ेगी जब ऊपर की तरफ जाएगा तभी तो बढ़ेगी डिमांड, एक्स्ट्रा हो गया मांगी गई मात्रा बढ़ रही। तो जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत हम देखो इस बिंदु पे जब मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे थे तो कीमत थी पी जीरो, जब डिमांड बढ़ी क्यू जीरो से क्यू टू हुई तो कीमत भी बढ़ती है पी जीरो से पी टू हो गई। यानी जब साधारण बातें अन्य बातें सारी समान रहती है तो डिमांड वक्त जब ऊपर की ओर खिसकता है, डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी उसी दिशा में बढ़ती है। अब बात करते हैं हमारे पास डी वक्र का, डिमांड बढ़ने की बजाय डिमांड क्या होगी कम होगी, नया वक्र बन गया डी डी वन। अब इस पे भी पूर्ति वक्र को जहां पे काट रहा है वहां से हमने दोनों अक्ष के ऊपर लंब डाला तो कीमत हमने को पहले कितनी थी पी जीरो, अब कितनी होगी घटकर पी वन, पहले क्वांटिटी कितनी डिमांड थी क्यू जीरो, अब कितनी होगी क्यू वन। यानी जैसे डिमांड घटी कीमत भी घट गई, जैसे डिमांड बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई। यानी कि अगर पूर्ति और अन्य चीज बातें समान रहें तो डिमांड बढ़ने पर कीमत बढ़ती है, डिमांड कम होने पर कीमत भी कम होती है। इसको आप बना लीजिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। अभी तक हमने किसका देखा डिमांड का इफेक्ट देखा, किसके ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है जब चेंज होता है सप्लाई के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा किसके ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर।
वही चीज हमने ली वस्तु की मांग और मात्रा, यहाँ पे हमने कीमत ले ली। अभी क्या हो रहा था, डिमांड चेंज हो रही थी, या तो डिमांड बढ़ रही थी या डिमांड कम हो रही थी। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, सप्लाई का, यानी या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी, बाकी बातें स्थिर है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास ये है सप्लाई का एस जीरो, ये डिमांड कम हो गया आपका, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए ई जीरो बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इससे हमने देखा कि प्राइस क्या है, ए जीरो और क्वांटिटी क्यू जीरो की सप्लाई होगी। अन्य बातें समान रहने पर जैसे ही पूर्ति बढ़ती है, यानी पूर्ति वक्र एस जीरो से एस टू हो जाता है। अब यहां जब डिमांड और सप्लाई दोनों को काटता है तो देखो पहले प्राइस क्या थी, ए जीरो, यहां से हमने इसके लंब डाला तो ये प्राइस आपको क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। सप्लाई बढ़ने पर प्राइस आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यदि पूर्ति बढ़ती है तो कीमतें कम होती हैं। अब अगर सप्लाई आपकी बढ़ने की बजाय कम हो गई, यानी पहले आपका वक्र कौन सा था, सप्लाई एस जीरो, पूर्ति घटकर क्या होगी एस वन। अब ये डिमांड वक्र किस बिंदु पे काट रही है, ई वन बिंदु पे, यहां से हमने दोनों तरफ दम डाल। अब देखिए पहले प्राइस क्या थी, पी जीरो, अब कितनी होगी, पी वन, बड़ी है या घटी है, बढ़ गई, जबकि सप्लाई क्या हुई है, पहले से कम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अन्य बातें समान रहने पर यदि पूर्ति घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी, अगर पूर्ति घटती है तो प्राइस बढ़ते हैं, यदि पूर्ति बढ़ती है तो प्राइस घटते हैं। यानी कि प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन क्या हुआ, अपोजिट रिलेशन, जबकि डिमांड और उसके बीच में क्या रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। तो ये थे आपके इफेक्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। एक बार दोबारा समझिए, पहले देखते हैं डिमांड का सामान्य कीमत स्तर पर बढ़ने या घटने का क्या इफेक्ट पड़ता है। जवाब क्या लेंगे, मांग और पूर्ति वस्तु की, और यहां वस्तु की कीमत किसका अध्ययन कर रहे हैं, डिमांड में चेंज हो गया। माना हमारे पास पहले डिमांड क्या है, टी जीरो, और ये सप्लाई वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, पी जीरो बिंदु पर, और ये क्यू जीरो, और यहाँ पे प्राइस क्या है आपकी, पी जीरो। अन्य बातें समान रहने पर यदि डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड वक्र इधर बनेगा या इधर बनेगा, इधर तो कम होगा तो डिमांड वक्र इधर बनेगा, ये हो गया आपका डी टू। अब इस बिंदु से आप जब मिलाने देखोगे इसको, क्योंकि ये नया बिंदु बन गया इक्विलिब्रियम का। अब देखो डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही, और अगर डिमांड कम होती है तो डिमांड वक्र ऊपर बनेगा नीचे, नीचे बनेगा, क्योंकि आपका नया डिमांड वक्र हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया डी वन। अब ये भी पूर्ति और दोनों का समय स्थापित हो रहा है ई वन बिंदु के ऊपर। अब यहां से जब हम मिला के देखते हैं इसको, तो ये देखिए प्राइस कम डिमांड कम, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड कम होती है तो प्राइस भी आपके क्या होंगे, कम होंगे। यानी कैसा रिलेशन हुआ इनके बीच में, पॉजिटिव या धनात्मक रिलेशन। अब बात करते हैं पूर्ति का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पूर्ति का आपको बताएगा क्या फर्क पड़ेगा, इन रिलेशन कैसा होता है, धनात्मक संबंध या नेगेटिव रिलेशन होता है। यहां पर भी वस्तु की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड, एक बिंदु है उसके ऊपर आपका ये सप्लाई वक्र कोई निश्चित एस जीरो मान लेते हैं इसको, और ये आपका डिमांड वक्र, इस बिंदु के ऊपर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, और प्राइस क्या है, पी जीरो और टू जीरो। अब चेंज किसके अंदर हो रहा है, सप्लाई के अंदर। आपको क्या बताया गया, सप्लाई अगर बढ़ती है तो कीमतें गिरेंगी, और सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ेंगी। तो सप्लाई बढ़कर क्या हो गई, क्योंकि इधर ले जाएंगे सप्लाई कम होगी वक्र बनाएंगे, और इससे हमने क्या बनाया इसके ऊपर अक्षर। अब देखो ये पी जीरो से क्या होगी आपकी, पी टू बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ देखिए आप क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बढ़ रही है जबकि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिलेशन कैसा हुआ, अपोजिट रिलेशन। यानी अन्य बातें समान रहने पर
यदि सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें कम होती हैं और सप्लाई कम होती है, ये सप्लाई कम होगी आपकी, इसको नाम देते हैं एस1। जहां तो दूसरे पार्ट है हमारे इक्विलिब्रियम में देखिए था ये 0 ये था ये 2 और इसको नाम देते हैं इवन। इक्विलिब्रियम के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप से B1 जो भी आपको ठीक लगे। अब यहां से जब आप इसको मिलाते हो तो ये देखिए प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है और सप्लाई क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। यानी अन्य बातें समान रहने पर यदि पूर्ति में कमी आती है तो प्राइस बढ़ते हैं और पूर्ति में वृद्धि होती है तो प्राइस कम होता है। तो ये था आपका मांग और पूर्ति में परिवर्तन का समय कीमत पर प्रभाव। अब बात करते हैं कि जब दोनों में चेंज हो जाए तो क्या होगा। ये तो एक एक चीज को देख रहे थे, बाकी बातें स्थिर मान के कर रहे थे। यदि अन्य बातें समान रहने पर मांग और पूर्ति में साथ में परिवर्तन होता है तो समय कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समय कीमत पर प्रभाव पड़ेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रभावी है। यदि डिमांड ज्यादा प्रभावी है तो प्राइस आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ेंगे। और अगर सप्लाई ज्यादा प्रभावी है तो प्राइस आपके क्या होंगे, गिरेंगे। यानी दोनों में परिवर्तन होता है तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों में से ज्यादा प्रभावी कौन है और नया संतुलन बिंदु उस हिसाब से स्थापित हो जाएगा। तो ये थे आपके समय कीमत स्तर का निर्धारण कैसे होता है मांग और पूर्ति के द्वारा और मांग और पूर्ति में परिवर्तन से समय कीमत जो है उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।